एक बार फिर से श्री जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से। ठीक है, तो चलते हैं। हेलो लेकिन का आज हम दूसरा भाग देखते हैं। कौन सा भाग देखते हैं? दूसरा भाग। तो इस भाग में आप देख सकते हैं तो कई चीज़ हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था, हेलो लेकिन आपको अच्छे से बताया था, गुड मॉर्निंग क्लास, ठीक, अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों एलेलिक हाईलाइट, ठीक, जो उस दिन हमने बताया था हेलो एल्क्वेन के अतिरिक्त जो आता है एलेलिक हाईलाइट, ठीक, एलेलिक हाईलाइट देख सकते हैं। ठीक, क्या हो गई? एलेलिक हाईलाइट। ठीक, अगर हम देखते हैं एलेलिक हाईलाइट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक, एलेलिक हाईलाइट हम उसे कहेंगे जिनमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से किससे जुड़े हों? डबल बॉन्ड से जुड़े हों। ठीक है, जब डबल बॉन्ड से बच्चों जुड़े रहेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? एलेलिक हाईलाइट। बात समझे ना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर देखते हैं, ठीक है, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, ठीक है, या कह देते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL, ठीक ना? हाँ, अगर यहाँ बच्चों आराम के साथ देखते हैं तो एक कर सकते हैं, ठीक है, कि या तो नाम इसका ऐसे लिखें, ठीक ना, या तो नाम ऐसे लिखें, या तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ देखें 1 2 3, अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो 3 पे जुड़ा है ना, क्लोरीन कहाँ जुड़ा है? 3 पे जुड़ा है। अगर 3 पे जुड़ा है तो इसे हम कह सकते हैं 3 क्लोरो, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो जाएगा। फिर एक चीज़ देखते हैं, कार्बन की उपलब्धता देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, अब 3 कार्बन हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, देख सकते हैं ना, अगर 3 कार्बन है 3 क्लोरोप्रोपीन। ये कौन सी हाईलाइट है? एलेलिक हाईलाइट। ठीक, एलेलिक हाईलाइट हम उसे कहेंगे जिन कार्बनों के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाए ना, उसे कौन सी हाईलाइट कहेंगे? एलेलिक हाईलाइट। ठीक, तो बच्चों आगे चलते हैं। तो देखते हैं, फिर है बेंजिलिक हाईलाइट। ठीक, आप बेंजिलिक हाईलाइट किसे कहेंगे? यहाँ देखा, बेंजिलिक हाईलाइट आप किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप बेंजिलिक हाईलाइट बच्चों हम उसे कह सकते हैं, अगर यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, बेंजिलिक हाईलाइट हम उसे कहेंगे वे हाईलाइट जिनमें हाइलोजन, ठीक, वे हाईलाइट जिनमें हाइलोजन बेंजीन वलय से जुड़े हैं, वे हाईलाइट जिसमें हाइलोजन बेंजीन वलय से जुड़े हैं उन्हें हम बेंजिलिक हाईलाइट कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ले, इसमें भैया क्या होता है, प्रत्येक दशा में sp3 संकरण होता है। ठीक, अगर प्रत्येक दशा में अगर हम देखते हैं sp3 संकरण होता है, ठीक है, sp3 संकरण की अगर हम बात करते हैं, एक कक्षा आपका यस रहेगा, ठीक है, और 3 कक्षा, ठीक है, 3 कक्षा आपका क्या हो जाएगा? पी रहेगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं, अगर किसी में देखें एक कक्षा यस रहे और 3 कक्षा पी रहे तो वो कौन सा संकरण कहलाएगा? sp3 संकरण। कौन सा संकरण कहलाएगा? sp3 संकरण। ठीक है, तो अभी सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इन हाईलाइटों की बात हो तो व्यंजिलिक मतलब व्यंजीन वलय से,
बेंजीन वले से जो इनमें कार्बन हो, बेंजीन वले से मतलब बेंजीन की अगर बात करें, बेंजील बताओ, अगर बेंजीलिक है, अगर हम कह दें आपसे कह दें बेंजीन का अगर सूत्र लिखो सी टू, यही तो करोगे ना, C6H6। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो होता है C6H6। अब C6H6 होता है जिसको अच्छे से समझ सकते हैं, C6H6 होगा जिसे हम कह सकते हैं बेंजीन। क्या कह सकते हैं? बेंजीन कह सकते हैं, ठीक। अगर बेंजीन से बेंजील बनाना है ना, क्या बनाना है? बेंजीन से बेंजील बनाना है, ठीक है। अगर बेंजीन से बेंजीन बनाना है तो इसको बड़े आसानी से कह सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, बेंजीन से बेंजील बनाना है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, C6H6 है, इसमें एक हाइड्रोजन हम विस्थापित कर देंगे। जब एक हाइड्रोजन इसमें हम विस्थापित कर देंगे, आगे जो बनने वाला है C6H5 हो गया, ध्यान दीजिएगा, C6H5 हो गया। जब C6H5 हो गया तो बच्चों ये बेंजीन से क्या बन गया, बेंजील बन गया ना, है तो बंद श्रृंखला की यौगिक, नाम वही है। अगर इनकी अब बेंजीन से बेंजील, अगर बेंजील से हम बेंजीलिक हाइलाइड आज बनाएंगे, तो बेंजीलिक हाइलाइड बनाने के लिए क्या है, जैसे आप युग्म बंध बना रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से बनते हैं ना। अगर बेंजीन की बात करेंगे इस प्रकार से आपका बनेगा, अगर इसका युग्म बंध बनाते हैं, ठीक है, अगर इसी में बच्चों अगर ये सुन लगा दिए, ठीक ना, तो किसी बॉन्ड को लगाने की हमें जरूरत नहीं है ना। दो चीजें बताता हूं इसी के बगल, एक और बना देता हूं, इधर बना देता हूं, तो यहां हम देख सकते हैं अगर यहां हम जीरो लगा दिए तो इसमें बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अगर यहां अगर बात करते हैं तो जब युग्म एरोमेटिक यौगिक होता है, देखिए अगर हम बेंजीन की बात करेंगे दो चीजें ना, अगर हम C2H6 की बात करेंगे, एथेन मेथेन की बात करेंगे, वह एलिफैटिक यौगिक है। अगर एलिफैटिक यौगिक की बात करेंगे तो एक प्रकार के बच्चों वह खुली श्रृंखला की यौगिक है। किस श्रृंखला की यौगिक है? खुली श्रृंखला की यौगिक है। अगर इनकी बात करेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स होता है बंध श्रृंखला, ठीक है। जब बंध श्रृंखला हो जाएगा तो यहां हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड यहां लग गया ना, एक छोड़ देंगे यहां लग जाएगा, इसको छोड़ के बच्चों यहां लगा देंगे, तो हम कह सकते हैं जो एरोमेटिक यौगिक होता है बच्चों उसमें जो आपके डबल बॉन्ड लगते हैं एक को छोड़ के, एक पीरियड छोड़ के, अगर यहां डबल बॉन्ड लगा तो ये छूट जाएगा, यहां लगा तो ये छूट जाएगा, यहां लगा तो ये छूट जाएगा, इस टाइप से वहां डबल बॉन्ड लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जब ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो बात करते हैं कि कार्बन तो हर जगह, कार्बन कार्बन मतलब कार्बन की उपलब्धता तो छः है ही है ना। अब बताओ, अभी अभी हमने बताया था ना, यहाँ C6H6 एक हाइड्रोजन विस्थापित करके C6H5 बनाया, ठीक है। C6 जब H5 बनाया तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि करना क्या है, इसमें करना ये है बच्चों कि बेंजीन से हमको बेंजील बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन से बेंजील बनाना है। जब बेंजीन से बेंजील बनाएंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, बेंजीन से बेंजील बनाएंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, यहाँ अच्छे से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन आपका विस्थापित हुआ ना, जब एक हाइड्रोजन आपका विस्थापित हुआ तो इसका नाम बेंजील हो गया। जब बेंजील हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बच्चों जोड़ दिए, एक इधर जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ, यहाँ आपका क्या जुड़ जाएगा? एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? एक्स जुड़ जाएगा। एक्स से आप समझे क्या? एक्स से हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं? एक्स से ये समझ सकते हैं कि इसका नाम बेंजीलिक हाइलाइड हो गया। क्या हो गया? इसका ही नाम हम इसको क्या कहेंगे?
इसका नाम कहेंगे वेंजिलिक, वेंजिलिक हाइलाइट। इसका नाम हो जाएगा वेंजिलिक हाइलाइट, ठीक ना। अब वही देखते हैं, एक हाइड्रोजन विस्थापित करके वहां हाइलाइट बना दिया। अब इस प्रकार से मैं आपको ग्राफ बना दिया, ठीक ना। तो बच्चों फिर आगे चलते हैं। आप फिर आगे चलते हैं, यह दो प्रकार के होता है, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, ये इस दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक, अगर हम बच्चों नंबर एक की बात करेंगे, वाइनिलिक, ठीक ना, वाइनिलिक हाइलाइट। तो पहला है आपका वाइनिलिक ये आपका हो जाएगा वाइनिलिक हाइलाइट। अगर वाइनिलिक हाइलाइट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर वाइनिलिक हाइलाइट की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, वे हाइलाइट जिनमें हाइलोजन परमाणु सीधी द्विबंध कार्बन से जुड़े होते हैं। वे हाइलाइट, ठीक है, कह सकते हैं वे हाइलाइट जिनमें हाइलोजन परमाणु सीधे ही द्विबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। जब बच्चों दो बंध से जुड़े रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वाइनिलिक हाइलाइट कहेंगे, ठीक। आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर वे हाइलाइट जिनमें हाइलोजन, ठीक, द्विक बंध से जुड़े होते हैं उसे हम वाइनिलिक हाइलाइट कहते हैं। कौन सी हाइलाइट कहते हैं, वाइनिलिक हाइलाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में एच, अगर जैसे में अगर देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यहां लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH से X से जोड़ दिया। अब यहां देखें, पहचानने में आएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाएगा, इसमें कई चीज दे दिया जाए, जैसे वाइनिलिक हाइलाइट या हाइलोहेरिन, ठीक ना। आपसे पूछेगा ये कौन सी हाइलाइट है ना, इसका नाम पूछेगा, ठीक है। वाइनिलिक हाइलाइट क्या होते हैं, ठीक, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, वे मतलब वे हाइलोजन परिवार के तत्व जिनमें, ठीक है, सीधे ना, हाइलोजन जो होते हैं सीधे किससे जुड़े हैं, द्विक बंध से जुड़े हैं, उन्हें हम वाइनिलिक हाइलाइट कहते हैं। आप द्विक, जैसे CH2 से डबल बॉन्ड, CH से क्या है, X से जुड़ा है। अगर X हमको ये स्थापित करता है, एक्स हमको क्या स्थापित करता है, यह स्थापित करता है कि यह वाइनिलिक हाइलाइट है, ठीक। वाइनिलिक हाइलाइट होने के लिए यह डबल बॉन्ड प्रतीक बताता है अपना सिंबल, और यह कैसे बताता कि मैं हाइलाइट हूं, हाइलाइट यह बताता है बच्चों इसमें एक्स होता है ना। जब एक्स रहेगा तो यह सीधे सीधे बताएगा कि यह आपका वाइनिलिक हाइलाइट है ना, इसे सीधे सीधे नाम जान सकते हैं। अगर दूसरे इसका आईपीएसी नाम में अगर हम जोड़ के बताएं बच्चों, तो इसका नाम कैसे होगा, अगर आईपीएसी नाम में करेंगे तो एक और दो हो गया ना। जब दो हो गया, दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है ना, एथ प्लस इन, ठीक। अब यहां कहेंगे इसका नाम क्या है, एथिन हाइलाइट। अगर यहां बात करेंगे क्या हो जाएगा, एथिन हाइलाइट, या कह सकते हैं, ठीक है, एक दो, या कह सकते हैं दूसरे भाषा में अगर कहना है, दो हाइलाइट ना। अब यहां क्या है, टू हाइलाइट एक दो, दो से क्या हो जाएगा, एथिन, टू हाइलाइट एथिन, टू हाइलाइट एथिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हाइलोहेरिन की बात आई, दूसरा हाइलोहेरिन, हाइलोहेरिन की बात आई। अगर हाइलोहेरिन की बात आई तो इसको हम समझ सकते हैं, इन यौगिकों में हाइलोजन परमाणु सीधी बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, ठीक, किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से, ठीक है। अब उसमें देखा वेंजीन होता है, इसमें वेंजीन होता है, ठीक, उसमें वेंजीन से वेंजिल बनाए थे ना, इसमें जो जुड़े रहेंगे वेंजिल जुड़े रहेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वेंजिल जुड़ा रहेंगे, यहां देखो वेंजिल,
वेंजिल वलय, इसमें भी जो जुड़े रहेंगे बच्चों वो किससे जुड़े रहेंगे, ठीक, वो आपका जुड़े रहेंगे वेंजिन वलय, ठीक है। ये आपका है वेंजिन वलय से, इसमें हाइलोएरिन में जो भी जुड़े रहते हैं एक वेंजिल वलय से जुड़े रहेंगे। अब वेंजिल से वेंजीन बनाना है, हेलोवेंजीन बनाना, ठीक ना, वेंजिन से हेलोवेंजीन बनाना, तो क्या करेंगे, वेंजीन का सूत्र क्या, वेंजिल की सूत्र क्या होता है, C6H5, ध्यान दीजिएगा C6H5, ठीक। अब यहां हेलोवेंजीन कहेंगे C6H5, यहां अगर हम ऐसे कर दें, ठीक, अगर इनको हम अपक्रिया करा देते हैं बच्चों ना, इस प्रकार वेंजिन वलय से जुड़ा रहता है, जब वेंजिन वलय से जुड़ा रहेगा ये हाइलोजन के उत्प्रेरक में अपक्रिया करेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा इसके उत्प्रेरक में अपक्रिया करेगा ना, तो एक हाइड्रोजन ये इसको दिया, जब एक हाइड्रोजन इसको दिया तो ये बनाया क्या, पहला चीज तो एक्स बना, हाइलो हो गया, दूसरी चीज क्या बनाया, कार्बन की संख्या 6 हो गई, हाइड्रोजन ये 5 है, एक हाइड्रोजन यहां इंक्लूड हुआ, हाइड्रोजन ये कार्बन 6 है, कार्बन 6 हमने रख दिया, हाइड्रोजन 5 है, एक हाइड्रोजन इनसे लिया तो H6 बनाया, ठीक। या हम इसको कह सकते हैं हाइलो, हाइलो मीन्स हाइलोजन, हाइलो मीन्स क्या होता है, हाइलोजन, ये एक्स से हाइलो हो गया, हाइलो वेंजीन, वेंजीन कहेंगे C6H6 से क्या होता है, वेंजीन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, वेंजीन, तो इसे हम कह सकते हैं हेलोवेंजीन, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है, हेलोहेरिन के अंतर्गत, ठीक, तो इसे चीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, निकटवर्ती डाई हाइलाइट नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, निकटवर्ती डाई हाइलाइट। अगर निकटवर्ती डाई हाइलाइट की बात करते हैं, ठीक है, निकटवर्ती डाई हाइलाइट की बात करते हैं, तो इसमें हम समझ सकते हैं, ठीक, अब निकट मींस क्या होता है ना, निकट मींस होता है पास पास, क्या होता है, निकट मींस बच्चों होता है पास पास, ठीक। इनके अगर पास पास ना दो हाइलोजन स्थापित हो, इनके पास पास कितने हाइलोजन स्थापित हो, दो हाइलोजन, ठीक है, निकटवर्ती मतलब निकट मींस होता है पास पास, इनके पास पास कितने हाइलोजन हो, देखा ये निकट हो गया, निकट मतलब बच्चों होता है पास पास, किसके, कार्बन के ना, कार्बन के पास पास, ठीक है, अगर कार्बन के पास पास, यहां तो एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के पास पास, ठीक, क्या हो, हाइलोजन, ठीक, कार्बन के पास पास कितने हाइलोजन हो, दो, ठीक ना, कार्बन के पास अगर पास पास करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो दो हाइलोजन होगा, ठीक, कार्बन इन्हीं के निकट, इनके पास पास कार्बनों से कितने हाइलोजन जुड़े हों, दो हाइलोजन, तो उस प्रकार के जो बनेंगे उनको हम कहेंगे निकटवर्ती डाई हाइलाइट, ठीक। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां हम क्या कह सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, और बच्चों एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इनका अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कर दें, और किसके उत्प्रेरक में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो अगर देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्प्रेरक में करते हैं, ठीक है, तो वहां हम देख सकते हैं, आराम के साथ कह सकते हैं कि निकटवर्ती है, निकट के इनके पास पास क्या हो, दो हाइड्रोजन जुड़े हों, तो अगर ये टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो किस में चले जाएगा, एल्केन में चले जाएगा, मींस सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, जब आपका सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको यह कह सकते हैं, अगर बच्चों ये सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो ये आपका क्या हुआ, CH2 हो गया,
क्या हो गया, CH2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब CH2 हो गया, डबल बॉन्ड है तो टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक, एक मिनट, डबल बॉन्ड है, CH2 हो गया, एक हाइलोजन इनको हमने दे दिया तो ये X हो गया, सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब फिर वही चीज करते हैं, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, HH मिलके H2 हुआ, तो इनको भी हम CH2 कर दिए। जब इनको CH2 किए तो ध्यान दीजिए, इनको जब CH2 हमने किया तो एक हाइलोजन तो इनको दे दिया, बचा हमारे पास एक हाइलोजन, इनको हमने एक हाइलोजन दे दिया। ठीक, अगर इनका हम बात करें, ठीक, तो डाई हाइलाइट हो गया, ये क्या हो जाएंगे, डाई हाइलाइट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आराम के साथ हो सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। तो ए टॉपिक है जैम डाई हाइलाइट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं है जैम, जैम डाई हाइलाइट। आप देखते हैं जैम डाई हाइलाइट क्या है, ठीक ना। अगर जैम डाई हाइलाइट की बात करते हैं तो जब एक ही कार्बन पर दो हाइलोजन जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन पर दो हाइलोजन जुड़े होते हैं उन्हें जैम डाई हाइलाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, जब एक ही कार्बन पर दो हाइलाइट, एक कार्बन हो, चाहे हाइलोजन इधर जुड़ा हो, चाहे इधर जुड़ा हो, चाहे इधर जुड़ा हो, चाहे इधर, ठीक, समझ में आया ना। जैम डाई हाइलाइट को अगर समझना है तो आप कह सकते हैं एक कार्बन से दो हाइलोजन जुड़े हों, एक कार्बन से दो हाइलोजन जुड़े हों। अगर दो हाइलोजन जुड़े हैं, एक कार्बन हो गया उससे दो हाइलोजन जुड़े हैं, अगर दो हाइलोजन की बात करेंगे, अगर यहां भी जुड़ गया प्लस यहां, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जैम डाई हाइलाइट। क्या बोलेंगे, जैम डाई हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बच्चों आगे चलते हैं तो एल्कोहल की क्रिया, कुछ एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं आपको किसके साथ, हाँ एल्कोहल की क्रिया कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देख सकते हैं, अगर बच्चों जब एल्कोहल की बात होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी एल्कोहल, ओनली एल्कोहल OH की बात होगी, उसके साथ एल्किल समूह लगेगा। एल्किल समूह क्या लग जाएगा, R सिंगल बॉन्ड OH लग जाएगा। जब एल्कोहल की बात होगी इसके साथ R सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और हम अभिक्रिया किसके साथ बच्चों करा देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PClO5। अब हमने कहा जब एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराया जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जब बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी, ठीक ना, तो क्या बनेगा, पहला चीज ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो RCl बनाया, एल्किल क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, एल्किल क्लोराइड बनाया। फिर उसके बाद इनका अभिक्रिया, अब एल्किल क्लोराइड बनाया तो अब फास्फोरस से करेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा PO, ध्यान दीजिएगा POCl3+HCl। ठीक, तो यहां हम देख सकते हैं अब बनाया क्या, अगर एल्किल हाइड्रोक्साइड, कहने का मतलब एल्किल या एल्कोहल की अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराए तो इनकी अभिक्रिया, देखिए ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, तो बच्चों ये क्या है, ये उत्पाद है। दोनों चीज हम समझ सकते हैं, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अगर अभिकारक की हम बात करते हैं, ठीक है, एल्कोहल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये पहला चीज अभिक्रिया किया कि क्लोरीन के साथ, तो R सिंगल बॉन्ड Cl, एल्किल क्लोराइड हो गया प्लस, अब P की बात आई, फास्फोरस एक ऑक्सीजन ये इनको दिए, अब क्लोरीन ये तीन लिया, तो यहां देखो फास्फ, ये क्या है, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया,
POCl3 फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, ठीक है, प्लस अब क्या है, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक क्लोरीन बचा है HCl, देख सकते हैं। अगर हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर देखना है क्लोरीन टोटल 5 है, तो एक क्लोरीन यहां हो गए, 3 यहां, 3 × 4 यहां देखो, 3 × 3 = 4, 4 × 5 देख सकते हैं। अगर क्लोरीन टोटल कितनी है, 5 है, अगर 5 है तो 3 क्लोरीन यहां है, 3 × 4, 4 × 5 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब फास्फोरस की बात आई, अगर फास्फोरस की बात आई तो फास्फोरस एक है तो एक इधर हो है ना, एक इधर अगर फास्फोरस है तो एक इधर भी है, ये भी बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन की बात आई, अगर ऑक्सीजन की बात आई तो यहां एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, एल्किल की बात करें, यहां देखा एल्किल R, एक R इधर है तो एक R इधर है, तो हम कह सकते हैं ना, ये तो कह सकते हैं ना, ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो है हमारा बैलेंस है, क्या है भैया, बैलेंस है कि नहीं है, अच्छे से ये बैलेंस हमने किया, क्योंकि अभिकारक के जितने अणु हैं उतने उत्पाद के अणु हैं। जब दोनों अणुएं आपस में बराबर हों, जब दोनों अणुएं क्या हों, आपस में बच्चों क्या हों, बराबर हों, जब दोनों अणुएं आपस में बराबर हों तब उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो आगे चलते हैं, एक आध रिएक्शन और लेते हैं, तो एक कर लेते हैं, एल्कोहल की क्रिया जब थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड देखते हैं, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, तो बच्चों अगर कह दिया जाए थायोनिल क्लोराइड, ये सब नई नई चीजें हैं आपको बताई जा रही है। अगर हम थायोनिल क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड की बात करते हैं तो इसे अभी अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर थायोनिल क्लोराइड की बात करेंगे, ठीक ना, तो पहली चीज सूत्र जाने, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, ठीक ना, आप ध्यान दे सकते हैं, ये है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इन्हीं की अभिक्रिया कराते हैं, इसको रेस कर देते हैं, ठीक ना, अगर इनकी, अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए, एथिल अल्कोहल की बात करें, एथिल पहले देख लीजिए, एथेन से एथिल बना रहे हैं, अगर एथेन की बात करेंगे C2H6 होता है बच्चों, एथेन की बात करेंगे क्या होगा, C2H6 से एथेन होता है, जब भी इससे एथिल प्राप्त करना है, एथेन से क्या प्राप्त करना है, एथिल प्राप्त करना है, जब एथेन से एथिल प्राप्त करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक ना, एक हाइड्रोजन विस्थापित करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन जब विस्थापित कर देंगे तो वह इल ग्रुप हो जाएगा, क्या ग्रुप हो जाएगा, इल ग्रुप होगा तो C2 हो जाएगा H5 ना, एथ प्लस इल बराबर बच्चों आपका हो जाएगा एथिल, बात समझ में आई ना, एथ प्लस इल बराबर क्या हो जाएगा, एथिल हो गया। फिर देखते हैं, अब एथिल हो गया ना, ये कंफर्म हो गया, तो इसी प्रकार से हम एक अभिक्रिया कराते हैं, जो अभिक्रिया क्या है, अब देख सकते हैं C2H5OH, C2H5OH, ये इनकी अभिक्रिया बच्चों हमको किससे करानी है, इनकी अभिक्रिया हमें करानी है, हाँ, थायोनिल क्लोराइड, अब थायोनिल क्लोराइड से कराना SOSOCl2, इनके साथ अभिक्रिया करा देना, C2H5OH की क्रिया SOCl2 इनके साथ कराना है, ठीक है। जब इनके साथ कराना है तो क्या बनेगा, ये चीज देख लेते हैं बच्चों, जब इनके साथ आपको कराना है तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें C2H5Cl से अभिक्रिया किया है, एक क्लोरीन इनसे उधार मांग लिया ना, अच्छा उधार देता कौन है,
अगर उधार की बात है, उधार देगा कौन ना? उधार तो वही देगा जिसके पास कुछ चीजें एकत्रित है, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ज्यादा मात्रा में अगर पैसा है तभी हम किसी को उधार दे सकते हैं ना, अन्यथा दे पाएंगे? कदापि नहीं दे सकते हैं। तो क्लोरीन ने कहा हमारे पास दो रुपए है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इनसे एक क्लोरीन उधार मांगा। एक क्लोरीन क्या मांगा? उधार मांगा। जब बच्चों एक क्लोरीन एथिल अल्कोहल इनसे एक क्लोरीन उधार मांगा, इनके पास इन्होंने क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि इनके पास क्लोरीन के अणुओं की संख्या दो थी। जब दो थी इन्होंने कहा एक क्लोरीन ले लीजिए, तो बच्चों बना C2H5Cl। क्या बनाया? एथिल क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? एथिल क्लोराइड बनाया, ध्यान दीजिएगा, एथिल क्लोराइड बनाया। फिर उसके बाद हमने प्लस लगा दिया। अब बताओ बात आई, यस ओ यहां है ही है ना, यस ओ यहां है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यस है, एक ऑक्सीजन इनके पास और एक ऑक्सीजन ये इनसे भी क्या मांगा? उधार मांगा ना। इन्होंने कहा कि ले लीजिए, अब हमारी जरूरत ऑक्सीजन की नहीं है। तीन से जब एक ऑक्सीजन उधार मांगा बच्चों, तो यहां बना SO2। क्या बन गया? SO2 बन गया, मींस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक, अब बचा क्या? फिर प्लस कर देते हैं। अब यहां देखते हैं एक हाइड्रोजन बचा है और यहां एक क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन इन्होंने उधार मांग लिया तो एक क्लोरीन बचा है। जब एक क्लोरीन बचा था तो इसे हम कह सकते हैं HCl। क्या कह सकते हैं? HCl। बात समझ गए ना हमारी? अगर बात समझते हैं तो बड़े अच्छे से मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चलते हैं नेक्स्ट करते हैं, एक और कर देते हैं। अगर अल्कोहल की क्रिया R सिंगल बॉन्ड OH की क्रिया, एक बार हम सोडियम ब्रोमाइड कराएं, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस और क्या है, हाँ सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अब कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, जब भी हमने कहा एल्किल किसके साथ करेगा, इनके साथ अपक्रिया करेगा, इनके साथ अगर बच्चों अपक्रिया करेगा तो R सिंगल बॉन्ड Br ना, एल्किल ब्रोमाइड बनाया। क्या बनाया आपका? एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड बनाया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन इनसे उधार मांग लिया तो बनाया प्लस NaHSO4। अगर हम कह दें सोडियम बाई सल्फेट बनाया, क्या बनाया? सोडियम बाई सल्फेट बनाया। ठीक, फिर उसके बाद बचा क्या? यहां अगर देखें तो हाइड्रोजन एक है, यहां देखें तो एक हाइड्रोजन इन्हें H2SO4 एक हाइड्रोजन इनको उधार दिए ना, इनको भी एक उधार दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इनको ये उधार दे दिए तो इनके पास हाइड्रोजन कितने बचे? एक, एक एच यहां, एक एच यहां, जब मिला बच्चों तो बना ये H2 ना, एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां, जब दोनों मिले तो ये क्या बने? H2 बने। ठीक, जब H2 बने, एक चीज समझ लीजिए, जब ये H2 बने तो ऑक्सीजन की जरूरत, H2 है तो भाई जल जाइए ना हमको, तो ऑक्सीजन की जरूरत, एक ऑक्सीजन भी इनके पास है तो यहां आपका बन गया H2। ठीक, देखिए कितने आसानी तरीके से आप अपक्रिया सीख ले रहे हैं। ठीक है, हाँ तो आप अगर इस वीडियो को आप एक मिनट दो मिनट देखेंगे तो ना तो आप पढ़ पाएंगे ना इस वीडियो में कुछ कर पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को करना है, तो आपको ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास को चूज करो, पसंद करो और ये सब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक, जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक कोई भी चीज़ें इसमें तह तक, इसकी अच्छी चीज़ें कैसे किस हिसाब से बताया जाता है वो सारी चीज़ें आप कदापि नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इन वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है,
और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल, ठीक है, आप हेडिंग हमने लिख दे रहे हैं, ये नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको ये पढ़ाया जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया H सिंगल बॉन्ड X से करने पर, ठीक, नेक्स्ट वीडियो, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा एल्कोहल की क्रिया एच सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक, एच सिंगल बॉन्ड एक्स से करने पर, ठीक। ये सब चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है।